हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गर्ल्स। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के बारे में, जो कि इंडिया ने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है इस हब को, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। इन दो तीन टॉपिक्स के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। वैसे ये टॉपिक यूपीएससी के प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट स्पेसिफिकली जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो देर ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके की हाईलाइट्स के, ठीक है। जो ये न्यूज़ है इसके की हाईलाइट्स क्या है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में आता है, उसने 12 सितंबर को ये अनाउंस किया है कि 2019 से इंडिया ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मेंबर होने वाला है, बोर्ड ऑफ मेंबर, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अब इसमें कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। जो माइक्रोब जो होते हैं, जिनको सूक्ष्म जीव बोलते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगीज वगैरह, ये सब होते हैं, इनकी एक एबिलिटी होती है कि जो इनको ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है ये उसी के अगेंस्ट में काम करते हैं, ठीक है। उसको रेजिस्ट करते हैं जो ट्रीटमेंट इनको दिया जाता है, ठीक है। तो उसी एबिलिटी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, जैसे कि मतलब ये जो हब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड हब डेवलपमेंट हब, इस हब के बारे में पूरे डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसकी जो माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी खुद के ही ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में उसको रेजिस्ट करने की एबिलिटी होती है उसकी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी सिंपल सा भी अगर कोई डिजीज़ होगा तो उसको ट्रीट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ सकता है। तो वो कॉस्टली भी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक भी हो जाएगा पेशेंट्स के लिए भी और फैमिली वगैरह के लिए भी। और जैसे वो जो सर्जरीज होती है, मेजर सर्जरीज वगैरह, जैसे हार्ट सर्जरी हो गया या फिर कीमोथेरेपी जो कैंसर वगैरह के लिए होता है, उन सब के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बता ही रहा था कि हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इस हब के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमको समझ में ये पूरा आ ही गया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या, इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या हैं, कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके हब के बारे में, ठीक है। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ग्लोबल AMR R&D, ठीक है। ग्लोबल लेवल का पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो कि जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट और कोलेबरेट होके अदर कंट्रीज़ के साथ में या अदर इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च फैकल्टीज़ के साथ में काम करता है, ठीक है, इस चीज़ को हटाने के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हटाने के लिए, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया था 2018 के मई में, ठीक है। और ये था मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 71st सेशन में, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो कि G20 के लीडर्स की 2017 में जो मीटिंग हुई थी उसका एक रिजल्टेंट था एक टाइप से ये, ठीक है। तो और बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। इसमें वही मेंबर होंगे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वगैरह, जो बेसिकली एजेंडा बनाते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं, वो वाले मेंबर्स इसमें आएंगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, ओके। सो और बात करते हैं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वन हेल्थ अप्रोच पे है, ठीक है। ये मतलब एनवायरमेंटल एस्पेक्टिव या वेटरनरी मेडिसिन वगैरह सबको एक साथ लेके चलता है, उसी बेसिस पे ही ये ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ दोनों को एनवायरमेंटली फैक्टर और फूड सेफ्टी फैक्टर के साथ में इंक्लूड करके तब जाके उस बेसिस पे रिसर्च करता है, ओके। सो इसके मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, ये सेक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कभी कभी पूछ ही लेते हैं, ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन है। सो इंडिया को इंक्लूड करके टोटल इसकी 16 कंट्रीज इसकी मेंबर होंगी,
ठीक है, और यूरोपियन यूनियन और दो फिलंथ्रोफिक फाउंडेशन, ठीक है, तो टोटल हो गए 16 to 18 19 हो गए, ठीक है, 19 यूरोपियन यूनियन को एक ही मान लेते हो, 19 हो गए, लेकिन यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज होती है टोटल, 28, ठीक है, और इसके चार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और मेंबर हैं जिनका ऑब्जर्वर स्टेटस है। ओके सो अब इसका एक सेक्रेटरीट भी होगा। सेक्रेटरीट एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी हब या फाउंडेशन का ऑपरेशन बॉडी जो होता है, जो मतलब उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है या मतलब चलाता है बेसिकली, उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका हब सेक्रेटरीट है बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन एक्चुअली जर्मनी में है, ठीक है, और इसके लिए जो फाइनेंस वगैरह जो मिलता है वो मिलता है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए। तो अब बात करते हैं कि इंडिया ज्वाइन करने से मतलब इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। तो इंडिया में जो ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली, इस सब के लिए एकदम से ये बूस्ट हो जाएगा, और ड्रग रेजिस्टेंस, इन्फेक्शंस वगैरह इन सब के लिए जो वो रिसर्च बनाएगा, उससे इनके मतलब मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को लेके स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च किए हैं, और वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ये, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, होप तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।